हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी इन बजट। और मैं हूं कंवल। फ्रेंड्स, वो लोग जो चाहते हैं कि हमें ब्यूटी मिले लेकिन हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, हमारी स्किन जो है वो ग्लोइंग हो लेकिन जो है वो कोई भी चीज़ बाजार से लेके हम लगा लें, तो उन लोगों के लिए सेवन्थ हेवन का पिंक रोज क्ले मास्क बेस्ट है। फ्रेंड्स, इसमें शिया बटर मौजूद है, इसमें फैटी एसिड्स वाइटमिन होते हैं जो स्किन को सॉफ्टन करने में मदद देते हैं। इवन टोन करने में शिया बटर जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसमें प्रेस डामास्ट रोजेज हैं, ये एक एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ दी हुई होती हैं जो स्किन को क्लीन करते हैं, ब्लिमिशेस से प्रिवेंट करते हैं, स्किन को रेडनेस और इरिटेशन से बचाते हैं। इसके अलावा इसमें मारोला ऑयल मौजूद है, उसमें भी फैटी एसिड्स और अमाइनो एसिड की ये एक अच्छी सोर्स होती है। ये एक्नी और ओपन पोजेस के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इन शॉर्ट, अगर कहा जाए कि फ्रूट्स का पल्प, फ्लावर्स की और हर्ब्स का निचोड़ लेकर, उनकी सारी खसूसियात लेकर ये मास्क जो है वो तैयार किया गया है, और ये एक बहुत ही खुशबूदार मास्क है। इसको आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे इसका जो पूरा प्रोसेस है अप्लाई करने के बाद और पहले दिखाऊंगी। मैं एक छोटा सा बाउल ले लिया है, अब इसमें जो है मैं मास्क जो है वो पूरा निकाल लूँगी। मैं डायरेक्ट जो है मास्क नहीं निकाल सकती, मुझे जो है ये इजी लगता है कि मैंने एक कटोरी में निकाल लिया, उसके बाद हम जो अपनी स्किन पे लगा लें। और इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा क्रीमी जैसे कहें वैसा इसका टेक्सचर होता है, स्किन पे बहुत जल्दी जो है ऑब्जर्व हो जाता है। इसको हमें लगाना है, 20 मिनट के लिए इंतज़ार करना है, 20 मिनट के बाद जो है हमें इसको वॉश कर लेना है। एक बात आप इसमें याद रखिएगा, जब तक स्किन में क्रैक ना पड़े यानी कि मास्क में, तब तक इसको मत उतारिएगा, और उसके बाद आपने जो है सिंपल वाटर से जो है वो चेहरा धो लेना है। फ्रेंड्स, देखें कितना ग्लोइंग स्किन हो जाती है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।